नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन अपना राशन कार्ड हम कैसे खोजेंगे और अपना डील यदि हम बदलना चाहते हैं तो डीलर भी बदल सकते हैं या अपने परिवार के सदस्यों के नाम ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन। सारा प्रोसेस आज हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, मैं हूँ नयन, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में आना है। आने के बाद आप ब्राउजर उपलब्ध हो जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम ब्राउजर, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी है, आप यहाँ पर आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है गूगल। गूगल टाइप करने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा इसमें क्लिक करेंगे। गूगल क्या है? एक सर्च इंजिन है। गूगल ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है झारखंड, झारखंड PDS, और इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे हम उस पहले रिजल्ट पर क्लिक करेंगे ये राशन कार्ड का जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। अब ये साइट ओपन होने के बाद आपको करना क्या, यदि आपका राशन कार्ड खोजना है तो आपके पास या तो राशन कार्ड का नंबर होना जरूरी है या आपका राशन कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है ना। आप विलेज वाइज आप इसको खोज सकते हैं या डीलर वाइज आप जो भी करना चाहते हैं। विलेज वाइज मतलब आप गांव के द्वारा आप खोजना चाहते हैं, अपने गांव का कितना राशन कार्ड है वो देखना चाहते हैं, या डीलर आपके डीलर के अंतर्गत कितना राशन कार्ड उपभोक्ता आता है तो वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अभी फिलहाल विलेज के द्वारा हम खोजना चाहते हैं, गांव के द्वारा खोजना चाहते हैं, तो अपना गांव सेलेक्ट करेंगे। अपना यहाँ पर गांव चूज कर लेना है। गांव चूज करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कौन सा कार्ड चूज करना है, जैसे कार्ड टाइप क्या है। यदि आपका पीएच कार्ड है तो पीएच कार्ड आप सिलेक्ट करेंगे, या तो आपका अंत्योदय वाला कार्ड है तो AY जो है ये सिलेक्ट करेंगे, या आपका व्हाइट कार्ड है तो व्हाइट कार्ड सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम पीएच कार्ड में खोज रहे हैं तो पीएच कार्ड सेलेक्ट किए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कैप्चरा जो है वो कैप्चरा आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। ये फिल कर दिए हम, अब क्या करेंगे, सबमिट कर दिए। जैसे सबमिट करेंगे तो मेरे गांव का जितना भी राशन कार्ड है वो सारे राशन कार्ड यहाँ पर क्या कर शो कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं उतने सारे व्यक्ति का ये राशन कार्ड यहाँ पर शो कर दिया। अब यहाँ पर यहाँ क्या दिया, सीरियल नंबर पहला है, उसके बाद राशन कार्ड नंबर है ना, उसके बाद व्यक्ति का जो नाम है, जो उपभोक्ता है वो उसका व्यक्ति का नाम है, और यहाँ पर उसको हिंदी से नाम लिखा गया, उसका पिता का नाम है, कौन सा कार्ड टाइप किस प्रकार से, कितना फैमिली है ना, UID मतलब आधार कार्ड कितना जुड़ा हुआ है, और डीलर का नाम, ये डाटा के ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर क्या करता है, शो कर देगा। आप यहाँ पर अपना नाम से आप राशन कार्ड को खोज सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि हमको ऑनलाइन किस तरह से करना है। जैसे न्यू राशन कार्ड हमको ऑनलाइन करना होगा तो कैसे ऑनलाइन करेंगे, या आप किसी परिवार के सदस्य के नाम जोड़ना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ आना होगा ऑनलाइन सेवा में। कहाँ? ऑनलाइन सेवा में आना है आपको। यहाँ पर क्या करना, ऑनलाइन आवेदन में क्लिक करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए ये आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड में क्लिक कर देना होगा। जैसे प्रोसीड में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो भी काम करना है, कार्ड के प्रकार बदलना, यदि आपका पीएच कार्ड है या व्हाइट कार्ड है, व्हाइट कार्ड से आप क्या करना चाहते हैं, आप पीएच कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, डीलर बदल सकते हैं, है ना, और परिवार के सदस्य को जोड़ सकते हैं, मुखिया परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपके आपका जो राशन कार्ड है वो किसी जैसे आपके मम्मी के नाम से बना हुआ है, या आपके दादी के नाम से बना हुआ है, या आपके पापा के नाम से बना हुआ है, आप चाहते हैं उसको उसका मुखिया जो घर का मुखिया जो उसको परिवर्तन करना चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर यदि आपका जुड़ा हुआ है आप उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं
कि नहीं हम आप मेरा जो मोबाइल नंबर है वो उस मोबाइल नंबर को हटा के हम दूसरा मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं, तो उस वो भी कर सकते हैं, सदस्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी सदस्य के नाम में कुछ गलती हो गया है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। या नया राशन कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। राशन कार्ड या आधार कार्ड में सुधार या परिवर्तन कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई कोई अपने परिवार के सदस्य को जोड़ना है तो क्या करेंगे, परिवार के सदस्य को जोड़ना में क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। ओके दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि राशन कार्ड नंबर, आपका जो भी राशन कार्ड नंबर है वो राशन कार्ड नंबर फिल कर देंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपका जो राशन कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या कर देना है दोस्तों, सबमिट कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे ये मेरा खुल जाएगा पूरा डिटेल, और डिटेल खुलने के बाद आप यहाँ पर परिवार के सदस्य को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मुखिया का नाम जो है, मुखिया का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना होगा। किसका? जो मुखिया है उसका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। जो मुखिया है उसका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। और डालने के बाद जैसे डालेंगे उसके यहाँ पर जो ओटीपी है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाएगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर क्या क्या देना कर देना है, फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर परिवार के सदस्य के जो नाम है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हस्बैंड का या उसका फादर का, यदि कोई लड़का है तो उसका फादर का या कोई या अपने हस्बैंड का जो भी है अपना नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका रिलेशन क्या है, रिलेशन आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। वो जो व्यक्ति है जिसका आप नाम ऐड कर रहे हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का उस परिवार के मुखिया के साथ क्या संबंध है वो आपको फिल करना होगा इस जगह पर, समझे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर हिंदी, हिंदी में आपको क्या करना होगा कि यहाँ फिल करना होगा जो भी मुखिया का नाम होगा वो मुखिया का नाम आपको यहाँ पर हिंदी में फिल करना, परिवार के सदस्य का जो नाम होगा उसको आपको हिंदी में यहाँ पर फिल करना होगा। हिंदी में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, एक यहाँ पर एक न्यू टैब लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गूगल टूल्स, गूगल टूल्स में हम इंटर करेंगे और पहला गूगल इनपुट टूल्स में क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस भी सदस्य का नाम आपको यहाँ पर जोड़ना है उसको क्या करना होगा, यहाँ पर टाइप करते हैं। जैसे हम टाइप करेंगे आप इसको हिंदी में कर लें क्योंकि हिंदी लिखना है हमको ना, हिंदी में कर लेते हैं। और उसके बाद हम ये लिखते हैं ना, आप इसको क्या करेंगे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करेंगे, कैसे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है फिर उसमें उस टैब में आ जाना है जिस टैब में आप क्या करना चाहते हैं उसको फिल करना चाहते हैं, फिल कर दिए। उसके बाद उसी तरह आप उसके फादर का नाम जो है वो भी फिल कर लेते हैं, फिल कर देते हैं। अब एज, एज जो है उस व्यक्ति का जिसका नाम सदस्य का नाम आप ऐड कर रहे हैं उस व्यक्ति का एज क्या है वो एज आपको क्या करना है यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आधार नंबर आपको फिल कर देना है ना। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। जैसे सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे कि ऑनलाइन हो जाएगा और आपका रिसीविंग आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए जैसे हमको अपने परिवार के सदस्यों का नाम देखना है राशन कार्ड में या उसका बुकलेट जैसा जैसे होता है वो निकालना है, तो सिर्फ अपना राशन कार्ड यहाँ पर फिल करें। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, अपना राशन कार्ड यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैप्चरा जो है कैप्चरा सिर्फ डाल देंगे और सबमिट में क्लिक कर देना है। पूरा राशन का विवरण आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कितने व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। इसको आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो इस जगह पर क्लिक करेंगे, आपका ये प्रिंट आउट निकल जाएगा, है ना।
उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन में जाएं। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।